अगर कोई हमारे हाथ से हमारी उंगलियां काटने की कोशिश करे या हमारी भुजाओं से हमारी हथेली काटने की कोशिश करे तो किस तरह का कष्ट होगा आपको वही कष्ट पहुंचाया है चाइना ने हमें लद्दाख पर अपनी लालची नजरें गड़ा के और वहाँ हमारी सीमा का एक एक इंच बचाते हुए हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं क्या भूल पाएंगे आप उनकी माओ के आंसू उनकी विधवाओं की चीखें और उनके बच्चों के दिए बलिदान को क्या ये सोचना ठीक है कि सेनाओं का जो सरहदों पे जो युद्ध होता है वो सिर्फ सेनाओं का होता है वो सिर्फ सरकार का होता है क्या उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है क्या हम भूल गए वो वक्त जब महात्मा गांधी जी ने कहा था अगर अंग्रेजों की रीढ़ तोड़नी है भारत में तो उनके बनाए हुए हर उत्पादन का बहिष्कार करना पड़ेगा तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम भी इस युद्ध युद्ध में हिस्सा लें क्योंकि लद्दाख सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है भारत की अस्मिता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है भारत की हथेली है हम उसे हम उसे किसी तरह से इस दुश्मनों के उनके गंदे इरादों में सफल नहीं होने दे सकते तो क्या हम लोगों को इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए कि जो चाइनीज जितनी भी गुड्स हैं जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हैं जिन जिन भी कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है उनसे उनको रिटर्न आते हैं रेवेन्यूज आते हैं ऑर्गेनाइजेशन है उन सबका बहिष्कार करें ताकि वो उस संपत्ति से जो यहां से इंडिया से इकट्ठी करके जाते हैं उस संपत्ति से हथियार खरीद के हमारे सैनिकों के सीने छन्नी हैं, तो क्या हम इस, इस, इस युद्ध में हम चाइना का साथ दे सकते हैं आप बताइए ये क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपनी सेनाओं का और अपने सरकार का साथ तो हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और चाइनीज गुड्स को बिल्कुल बॉयकॉट करेंगे और इस युद्ध में हिस्सा लेके भारत को जिताएंगे जय हिंद